So next topic is optical isomerism. So first of all, what are optically active substances? Optically active substances are those substances that have non-superimposable mirror images. For example, अगर हम letter P को ले, ये mirror रख दे सामने, तो हमें ये इस तरह से नजर आएगा. अगर इस P को, इसके mirror image को उठा के इसके ऊपर रखा जाए, तो ये कुछ इस तरह सा बनेगा. That means this letter has a non-superimposable mirror image. तो अगर ये optically का compound होता है, तो इट शुड बी ऑप्टिकली एक्टिव. और आपस में इनका क्या रिलेशन है? दीज मिरर इमेजेस, दे आर नॉन एज इनेंशियमर्स. दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. सिर्फ ये कहाँ पे डिफर करते हैं कि लाइट के पाथ को कौन किस तरफ रोटेट करता है. वन विल बी डेक्स्ट्रो, अदर विल बी लिवो. इनका जो मैग्नीट्यूड है, यानी कि वैल्यू, लेट्स से इफ इट इज 1.3331, तो मैग्नीट्यूड क्या होएगी? सेम दोनों की. हाँ, एक प्लस होएगा, डायरेक्शन डिफरेंट होगा, एक डेक्स्ट्रो होगा, एक लीवर रोटेटरी होगा. सो दिस इज द फिगर. ये है जी एक प्लेन पोलराइज लाइट. तो जो राइट की तरफ है वो इन एरोज, यानी कि इस लाइट को राइट की तरफ घुमा देगा, जो लीवो है वो लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देगा. आगे आते हैं सबसे पहले कि अब हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले पढ़नी है विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4. नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हमारे पास दो ज्योमेट्रीज होती हैं, वन इज टेट्राहेड्रल, अदर इज स्केयर प्लेनर. तो जो स्केयर प्लेनर हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वी हैव डन, राइट? तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. सो नॉर्मली स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, दे डू नॉट शो ऑप्टिकली एक्टिविटी. दैट मीन्स दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. वाई इट इज सो? क्योंकि इनके बीच में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है. क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, सो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर. बट देयर आर सम एक्सेप्शन. अब हम एक्सेप्शन करने जा रहे हैं. तो ये दो साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने इन रिएजेंट्स को मिक्स किया, आइसोबिटिलीन डायमीन, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड और ये लाइगेंड, इनको मिक्स किया. तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम के अराउंड ये जो अरेंजमेंट है, दैट इज स्केयर प्लेनर. और जब यहां से इस केटाइन को आइसोलेट किया गया, तो इट वॉज ऑब्जर्व दैट दो इट इज हैविंग स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री, बट इट इज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर. तो ये जो पूरी स्टोरी है, ये हमें ये बताती है कि अगर हम इसको टेट्राहेड्रल अज्यूम करें, तभी हमारे पास जो आइसोमर्स होंगे, दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. सो यहाँ पे है ये सेकेंड एग्जाम्पल. सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री ही इस स्टोरी को सूट कर रही है कि इट इज हैविंग स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री. सो आई रिपीट, नॉर्मली स्केयर प्लेनर कम्प्लेक्सेस दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, बट कुछ एक्सेप्शन है. उसमें पहली एक्सेप्शन ये है, इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर ये रिएजेंट मिक्स किए और ये कम्प्लेक्स बनाया. इस कम्प्लेक्स में इस आयन की पहले दो पॉसिबिलिटी देखी गई कि क्या ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है. अगर हम इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अज्यूम करते हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव ये हो नहीं सकता. दैट मीन्स फिर हम सेकेंड ऑप्शन लेते हैं. सेकेंड ऑप्शन इज कि हम अज्यूम करें कि इसके अराउंड ये जो लाइगेंड्स की अरेंजमेंट है प्लेटिनम के अराउंड, ये इस तरह से है कि ओवरऑल देयर इज अ स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट, जैसे यहाँ पे एब्सेंट है. सो सेकेंड एक्सेप्शन इज दिस कम्प्लेक्स. ये कम्प्लेक्स के दो मिरर इमेजेस हैं. अगेन इट इज हैविंग स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री, बट अगेन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर. सिमिलरली प्लेटिनम का EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट के साथ भी ये एक एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे ऑल्दो EDTA इज ए हेक्साडेंटेट लाइगेंड, यहाँ पे ये टेट्राडेंटेट एक्ट कर रहा है, और ये दो इसके आइसोमर्स हैं, इनेंशियोमर्स हैं, दैट आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर. तो इन पूरी एग्जाम्पल्स में वट वी हैव स्टडीड, दैट नॉर्मली स्केयर प्लेनर कम्प्लेक्सेज दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शन. फर्स्ट एक्सेप्शन, सेकेंड एंड थर्ड. नेक्स्ट इज टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस. नाउ टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस कौन से ऑप्टिकली एक्टिव हैं? जिनमें अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लाइगेंड हो. फॉर एग्जाम्पल ये एक बाइडेंटेट लाइगेंड है, बट दिस इज अनसिमेट्रिकल. अनसिमेट्रिकल इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे फिनाइल, अगेन यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे फिनाइल. अब ये हमने लाइगेंड को, यानी कि ये मॉलिक्यूल को हमने उठाया, मिरर के सामने रख दिया, ये इसका मिरर इमेज है. अब हम जैसे ही इसको उठा के इसके ऊपर इम्पोज करेंगे, तो ऑब्वियसली व्हाट वी विल सी, हाँ जी,
तो अगर हम इसको उठा के इस तरफ रखते हैं तो वी सी दैट दे हैव सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, क्योंकि जब आप इसको ऐसा उठा के रखोगे तो मिथाइल के ऊपर मिथाइल, फिनाइल के फिनाइल, बट यहाँ पे क्या है कि इन कम्प्लेक्सेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि मैं यहाँ पे एक शीशा रख देती हूँ, तो इस शीशे के ऊपर क्या है मिथाइल, नीचे क्या है फिनाइल, तो यहाँ पे क्या है वेरिएशन आ रही है। सो जहाँ पे भी वेरिएशन आएगी वी विल से दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। ठीक है, इसी तरह से बिस ग्लाइसेटो निकल का है कम्प्लेक्स, इसी तरह से बोरोन के और जिंक के हैं। तो हमने क्या करना है, वी नीड टू रिमेंबर एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्पल्स ऑफ टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस कंटेनिंग अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड दैट आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। इसके अंडर नेक्स्ट कैटेगरी में आता है, टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स के अंदर सेकेंड कैटेगरी में आ रहा है MABCD। तो इसमें भी क्या है, अगेन सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय डिफरेंट लिगेंड, राइट, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर, बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर बिकॉज वी नो दैट द मेन क्राइटेरिया इज दैट प्लेन ऑफ सिमेट्री शुड बी एबसेंट। तो इस तरह के कम्प्लेक्स में although all the four ligands are different but still such complex are optically inactive due to the presence of plane of symmetry. उसके बाद ये वो formulas हैं that are optically inactive in nature, क्योंकि यहाँ पर same arrangement है तो हम बोलेंगे plane of symmetry क्या हो जाता है present. So that's all about optical isomerism in coordination number 4.